आज चाहे हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, फोर लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। चार धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों का और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली देहरादून की दूरी तो कम होगी, इसे उत्तराखंड के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होती है, इसलिए बीते 8 सालों से हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 7000 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण टनल्स का भी पूरा काम किया है। एक समय था जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूरत पड़ती थी। हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहां जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा, लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल भी इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोरडो। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया।